टाइम हम हैं आगरा में और आगरा की हम सदर बाजार में पहुंच चुके हैं। सदर बाजार में घुसते ही यहाँ पे चाट गली आती है और यहाँ पे आपको श्री अग्रवाल चाट हाउस की तरफ जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई देंगी। पाव भाजी, टिक्की, ये है दही भल्ले, गोलगप्पे। तो जी नमस्कार, आप ओनर हैं यहाँ के? क्या नाम है आपका? आलू टिक्की सबसे ज़्यादा फेमस है आपकी, और कितने रुपए की है? 50 रुपए की। और ये जो मैं देख रहा हूँ ये इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? दही गुजिया। ये भी 50 रुपए की है। तो पहले मुझे एक आलू टिक्की लगा के दिखाएंगे आप कैसे लगाते हैं। तो भाई ये हमारे आलू टिक्की लगने जा रही है, पहले इसको काटा जाता है ताकि बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। और एक आलू टिक्की कितने? 50 की। बढ़िया, काफ़ी बड़े साइज़ में है। नॉर्मली जो है 30-40 की मिलती है, बट उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। हाँ हाँ, दो सिंगल ले लो या डबल ले लो, ये एक ही डबल के बराबर है। सही कह रहे हो आप, ये एक ही डबल के बराबर है। और काफ़ी बढ़िया क्रिस्पी करके देंगे इसको। तो इसके अंदर क्या 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 भरा जाता है? तो भाई ये है इनकी टिक्की का जो पेड़ा होता है, और ये मसाला किस चीज़ का है? अंदर भी आलू का ही है? अच्छा, चना, हरा मटर, ये सब मसाले वगैरह डाले जाते हैं। और ये इसका पेड़ा है। तो पहले इसे हाफ डन करके रख लेते हो आप, उसके बाद तो अब ये कितनी देर में रेडी हो जाएगी? 5 मिनट। और भाई ये जो टिक्की है पलटी जा चुकी है, और ये जो सारा मसाला था ये नीचे की तरफ आ गया है, मसाला भी बढ़िया से फ्राई हो गया है। अल्ट्रा बे के प्लांट प्रोटीन के बारे में दोस्तों, ये जो प्लांट प्रोटीन है इसको कोई भी अपनी डेली प्रोटीन और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंज्यूम कर सकता है। इसकी एक सर्विंग 34 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन और 0 शुगर एंड 5 ग्राम BCAA है। इसके 1 kg पैक में 29 सर्विंग्स है और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इस प्लांट प्रोटीन की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्लांट प्रोटीन के साथ साथ सुपर फूड्स भी दिए गए हैं, जिसके थ्रू आपको सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। यानी कि आपका 400 से 500 तक का अलग से विटामिन का खर्चा बच जाता है। अगर इस प्रोटीन की बात करें तो इसमें पी प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन भी एडेड, जो कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। और इसमें एक चीज और है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी एडेड है, जो डाइजेशन की प्रॉब्लम वालों के लिए बेस्ट है। इसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं है और ये सोया फ्री है। ये 100% नेचुरल है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और ये जो है गवर्नमेंट चॉकलेट फ्लेवर में। साथ ही इसकी मिक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है भाई, शेकर में डालो और मिलाओ। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे डेली अपनी डेली डाइट में ऐड करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं और अभी ऑर्डर करें। हो गई अभी तैयार? हाँ जी। तो भाई हमारी जो टिक्की है बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी है, एकदम रेडी। अब ये जो भैया हैं इसको बढ़िया से क्रश करके क्या क्या डाला जाएगा अब इसमें? हरी चटनी है इसमें भाई, ये गई हरी चटनी और मीठी चटनी डाली भाई, साथ में ये मीठी चटनी, ये गए अदरक के लच्छे। हाँ, जैसे आप देते हो धनिया। और ये टिक्की तैयार है, क्या बात है भाई। ये है आगरा की फेमस टिक्की। मैं आपको बता दूं ये टिक्की थोड़ी सी अलग होती है, दिल्ली स्टाइल की नहीं होती। दिल्ली में क्या है, छोले वोले डाल के देते हैं, बट वहाँ प्याज व्याज, यहाँ पे सिंपल चटनी वगैरह टिक्की के साथ, दही ऊपर से डाल दो थोड़ा सा। तो भाई थोड़ा सा हम दही भी डलवा लेते हैं अपने लिए। टिक्की आ चुकी है, देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। हमने थोड़ा सा इसके ऊपर दही वगैरह भी डलवा लिया है, और ये देखो भाई बढ़िया से पीस वीस करके इन्होंने दी है भैया ने, ज़बरदस्त। भैया एक दही बड़ा लगाओ हमारे लिए, मैंने सुना है यहाँ का दही बड़ा भी कुछ अलग होता है, बनाओ जी एक। काफ़ी सारे इन्होंने जो दही गुजिया हैं ऑलरेडी डिप कर रखी हैं पानी में, अच्छा ये बर्फ है ताकि ठंडा रहे। और ये दही, इतना दही दिखाना एक बार, बड़ा गाढ़ा दही है यार ये तो, इतना गाढ़ा बिल्कुल पानी निकाल देते हो दही में से, क्या बात है यार। तो एक बनाओ जी, शुरू करो। क्रीम की तरह होता है एकदम भाई, क्रीम वाला दही है ये एकदम। अच्छा गुजिया इसी में डिप करी हुई है आपने, इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी है? क्या बात है भाई, ये कही इसमें चटनी। ये चटनी किसकी होती है? आमचूर की, काली मिर्च, नमक और ऊपर से और दही, सेब डाल देना, मजा आ जाएगा इसे खा के। अरे वाह यार, जीरा पाउडर, ये सेब,
सेब वगैरह डाल के देते हो सबको। हमारी दही भुजिया भी आ चुकी है, टिक्की भी खाई हमने, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। और ये देखो भाई, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी पड़े हुए हैं अंदर, अंदर तक मामला सेट है। इसकी एक बाइट ली जाए। सुपर, एक बाइट ली है मैंने, भाई मज़ा सा आ गया। तो भाई हमने टिक्की भी खाई, दही बल्ली भी खाई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे, अमेजिंग थे, मज़ा आ गया। और कुछ डिफरेंट टेस्ट था, मतलब दिल्ली जैसा बिल्कुल भी नहीं थे ये, अलग थे, ज़बरदस्त थे। बोलते हैं ना, आगरा की चाट नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, एक बार आगे ये चीज़ ट्राई ज़रूर करना।